गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। भागती दौड़ती ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में आती है बहुत सारी स्ट्रेस, टेंशन, एन्जाइटी, नींद ना लेना, गलत खाना गलत टाइम पे खाना और सही खाना भी गलत टाइम पे खाना, ओवरथिंकिंग, एन्जाइटी, पिल्स और इन सब का इक्वल टू रिजल्ट हमारा निकलता है वेट गेन, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, स्किन डैमेज, बहुत सारी डेफिशिएंसीज बॉडी के अंदर और उसके साथ साथ आता है बहुत सारा डिप्रेशन बॉडी को देखकर, बॉडी को समझकर और उसके बाद हम भागते हैं क्रैश डाइट्स पे, जिसकी इक्वल टू रिजल्ट होता है और पूरी सिचुएशन बॉडी की। हमें आयुर्वेदा ने बहुत सारे सीड्स दिए हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बतेरे सीड्स हमारे पास हैं, फेनुग्रीक सीड्स, जीरा, अजवाइन, बहुत सारे सीड्स हमारे पास हैं। उनमें से एक सीड, सबसे प्यारा सीड जो मुझे लगता है वो है हलीम सीड और इसके बेनिफिट्स अमेजिंग। जब भी हम वेट लॉस जर्नी पिक करते हैं, हमें कुछ इस तरीके की अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए या इस तरीके की डाइट में ऑप्शंस ऐड करने चाहिए जिसकी हेल्प से आपके बाल अच्छे हों, आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी डेफिशिएंसीज ना आए। और जो जो लोगों को मेजर हीमोग्लोबिन लो रहता है या जिनका आयरन लेवल कभी भी नहीं बढ़ता, जिनके अंदर भारी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है, जिनके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन रहते हैं, जिनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, मतलब बचपन से उनके बाल बड़े हैवी थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हो रहे हैं उनके बाल बिल्कुल पतले हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, रूट से हेयर फॉल हो रहा है और दुनिया भर का सामान लगा रखा है लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे बेबी हेयर्स आने लग जाते हैं, आप देखते हो कि अच्छा ठीक है बाल गिरा तो है लेकिन बालों की रीग्रोथ हो रही है बट वो भी नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में अगर हम हलीम सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप से, तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट पहला आपके साथ ऐसा होता है कि आपका वेट लॉस देता है, सेकेंड आपके बालों की ग्रोथ देता है, थर्ड आपकी स्किन बहुत अच्छी करता है। मैं हलीम सीड्स ले रही हूँ ऑलमोस्ट लाइक 6 महीने हो गए, ऑन ऑफ मैं लेती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं जूसेस की अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, मैं मैक्सिमम एवरी डे हलीम सीड्स अपने जूस में डालती हूँ। जब जब मैं जूस लेती हूँ, अभी मेरी तबीयत खराब थी पिछले 1 से 1.5 महीने से, तबीयत जो है वो अप डाउन हो रही है, ट्रैवल हो रहा है, सो उसकी वजह से मैंने हलीम सीड्स को ब्रेक दिया है। बट अगर मैं घर पे हूँ और अगर मैं मॉर्निंग का जूस ले रही हूँ उसके अंदर मैं हलीम सीड डेफिनेटली ऐड करती हूँ, उसका इक्वल टू रिजल्ट्स क्या है, मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरे बालों की थिकनेस बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है। दो मैं कोई भी स्किन केयर का कोई रूटीन पिक नहीं करती हूँ। और हलीम सीड्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फैट है बट वो हेल्दी फैट है हलीम सीड्स के अंदर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बालों को सपोर्ट करता है, आयरन की डेफिशिएंसीज जिनके अंदर निकलते हैं, जिन जिन लोगों का फेरेटिन लेवल बहुत ही लो रहता है, अगर वो हलीम सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, आप 2 महीने के अंदर अपना फेरेटिन देख लीजिएगा, विदाउट किसी मेडिकेशन आपका फेरेटिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। नाउ हलीम सीड अगर आप बड़े लगातार अपनी डाइट में ठोक कर लोगे सो इसका इक्वल टू रिजल्ट भी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा ब्रेक दे दे के लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 वीक हमने लिया, फिर 1 वीक का थोड़ा सा ब्रेक दिया, फिर 1 वीक लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया 3-4 दिन का। ऐसा नहीं है कि उसको लगातार 6 महीने आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन जो है हलीम सीड्स के साथ चलती रहती है। नाउ हलीम सीड्स डाइट में लेना कैसे हैं, नंबर 1 सोक करके हलीम सीड ले सकते हैं। कैसे लेंगे, चलते हैं किचन में। सो ये रहे अलग अलग तरीकों से सोक किए हुए हलीम सीड। ये आधे कप पानी के अंदर एक छोटा चम्मच हलीम सीड मैंने सोक कर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, एंड ये एज इट इज़ हम पियेंगे मॉर्निंग में बिना गर्म किए, बिना स्ट्रेन किए, विद दिस ये जो सीड्स हैं इसके साथ। ये है पार्ट ए। पार्ट बी, आधी कटोरी पानी के अंदर 1 बड़ा चम्मच हलीम सीड सोक किया है ताकि ये जेली बन जाए। अब इसके अंदर जो भी आप मॉर्निंग जूस बनाते हो, अगर उसमें आप 1 चम्मच ये हलीम सीड ऐड करके पियेंगे उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे निकलेंगे। सो अगर आप जूसेस पी रहे हो मॉर्निंग के, आपका ग्रीन जूस, एबीसी जूस, उसके अंदर अगर आप ये 1 चम्मच ऐड करेंगे सो उसका बेनिफिट अमेजिंग। सो ये 2 तरीकों से हम हलीम सीड सोक कर अपनी डाइट में ऐड करेंगे। वेलकम बैक जी। नेक्स्ट हलीम सीड के बनते हैं लड्डूस, और वो लड्डूस कब लेने हैं, मिड ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैकिंग के अंदर हम हलीम सीड्स के बने हुए लड्डू ले सकते हैं। जिन जिन लोगों का हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा, जिन जो बालों से बड़ा परेशान है, हर मेथड, हर एक एक चीज़ कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल पीआरपी सेशंस भी करा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं, हलीम सीड्स के लड्डू ये डेफिनेटली आप ट्राई करना।
वन लड्डू मिड ब्रेकफास्ट या वन लड्डू इवनिंग स्नैकिंग में आप ले सकते हो, और ये 7 डेज के लिए बना के आप इकट्ठा स्टोर करके फ्रिज में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, हलीम सीड की खीर बनती है, जो मैं अपनी आने वाली डाइट में उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। लड्डू कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके, सो हलीम सीड्स के लड्डू बनाने के लिए ये है मेरे पास सोक्ड हलीम सीड्स। 3 चम्मच हलीम सीड्स मैंने आधा गिलास पानी में पूरी रात सोख करके रखे थे और ये इस कंसिस्टेंसी में आए हैं। सो इनको हम यूज़ करेंगे लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास है पैन, इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी मेरा कोकोनट। ये मैंने कद्दूकच करके कोकोनट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा सूख जाए। ये मैंने पूजा वाला नारियल लिया है, गीला नारियल, आप ड्राई नारियल भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ओट्स। टफी को खुशबू आ गई है कोकोनट की, उसको चाहिए कोकोनट। 2 चम्मच जितने ओट्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी शक्कर, आप जैगरी पाउडर, देसी खांड, कोकोनट शुगर, कुछ भी यूज कर सकते हो। इसमें डाल दूंगी 3 स्पून 4। ओके, नेक्स्ट ये जो मेरे हलीम सीड्स हैं ये भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गैस को हम अब बंद कर देंगे एंड इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे 2 चम्मच जितना घी। 1, 2। इसको हम मिक्स करके ठंडा करेंगे और फिर हम बनाएंगे इसके लड्डू। सो ये मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो गया है। टफी को नारियल बहुत पसंद है। ओके जी, सो ये रे लड्डूज और ये रेडी हैं। इनको हम कब लेंगे? 1, हम ले सकते हैं मिड ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैकिंग के टाइम पर विद हमारे लेमन ग्रास टी, ग्रीन टी और कोई भी फ्लेवर टी जो भी हम ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ है ये आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो। ये 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं हम फ्रिज में, ग्लास के कंटेनर में। खाने से पहले आप हल्का सा इसे माइक्रोवेव कर सकते हो या फिर इसे एज इट इज़ भी आप अपनी डाइट में ले सकते हो। बाहर मत रखना, फ्रिज में रखेंगे फॉर 7 डेज। वेलकम बैक जी। हलीम सीड्स का वाटर अगर आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करते हैं, मॉर्निंग का वाटर, जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन जिन लोगों का गट जो है वो बहुत ही वीक है, जिनको इंटेस्टाइन के बड़े सारे इन्फेक्शन रहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका स्टमक जो है उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आप अच्छी फीलिंग नहीं हो, सुबह उठते हो फ्लैट टमी होता है, रात तक एकदम बलून की तरह, गुब्बारे की तरह आपका टमी हो जाता है, और अगर आपको शाम को कहीं जाना है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो, क्या पहनूँ क्या पहनूँ, क्योंकि टमी जो बलून की तरह फूला हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हलीम सीड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो, मेटाबॉलिक रेट आपका हाई होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी स्वेलिंग हटेगी, सबसे अच्छी चीज़ ये आपके गट को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट हलीम सीड्स गाइज, एंड मेक श्योर आप उसको अपनी डाइट में ऐड करो। थोड़े से आई गेस महंगे मिलते हैं अमेजोन पे, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बट ठीक है यार, 2 लिपस्टिक कम ले लेंगे, अपने भी थोड़ा सा खर्चा कम कर लेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, थोड़ी सी चीज़ें स्पेंड करेंगे हम इस पे, करेक्ट? सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।